कॉस टू के पाई प्लस थीटा अपॉन एन, किया ये हमने कल, यस मैम, प्लस आई साइन टू के पाई प्लस थीटा, k की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 एंड दिस वे वी आर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एग्जाम. क्वेश्चन यहीं से आएगा मोस्ट प्रोबेबली, व्हाट एवर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टू एग्जांपल्स, ओके, अप टू दिस अल्फा. Now, this is one of the important type of the question, find the continued product of the roots. This is the important. Raised to 5 is equal to 1 ma'am, plus. Ma'am, आवाज बहुत जोर से आ रही है. ज़्यादा आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, now. जिसका नेटवर्क डेली आई एम कीपिंग एट 50. बाकी लोगों के लिए ठीक है क्या आवाज? जिसका नेटवर्क थोड़ा रहेगा ना, ओके. सो व्हाट, हाँ बस डेली इतना ही रहता है, बस पिक्चर में बोला नहीं इन लोगों ने, ओके. हाँ, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये एक अनदर टाइप ऑफ द एग्जांपल है, सेम ही है प्रीवियस. एक जो स्टेप रहेगी ना वो सेम है रूट्स फाइंड आउट करने तक, बाद में सब चेंज हो रहा है. देखो प्रीवियस एग्जांपल्स में भी आपने देखा था रूट्स फाइंड आउट करने तक सेम है, बाद में जो शो दैट रहता है ना उतना ही पार्ट अलग है, बट एवरी एग्जाम्पल का वो पार्ट अलग है. इतना याद रखो, एवरी एग्जाम्पल का वो पार्ट अलग है. जैसे हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया था ये भी, तो रूट्स तो वही फाइंड आउट करने, रूट्स के बाद अगर ऐसा शो दैट रहा तो उतना ही पार्ट आपको अलग मिलेगा, ओके. सो एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई. बस सिंपली पहले तो इक्वेशन दिखो देखो और उसका रूट्स फाइंड आउट कर लो, उसका क्या फाइंड आउट कर लो, रूट्स फाइंड आउट कर लो, ओके. नाउ सी हियर, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन गिवन, एवरीवन प्लीज लिसन, एवरीवन, एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू 1 आई. कैन यू टेल मी इफ आई वांट टू फाइंड आउट इसके रूट्स, रूट्स फाइंड आउट करना मीन्स व्हाट, means what I have to write in the form of x is equal to, है ना, roots find out करना means I have to write x is equal to. So can I tell, can you tell me x is equal to क्या आएगा, 1 plus I raised to power what, 1 by 5, okay. Shall I write x is equal to 1 प्लस आई रेस टू 1 बाय 5, दोनों साइड में 1 बाय 5 लेंगे तो 5 के ऑलवेज ये 5 उधर लाना है, 1 बाय 5, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस, 1 बाय 5 पावर लोगे तो 5 कैंसिल एंड दिस. अभी 1 प्लस आई को किस में एक्सप्रेस करना है, कॉस एंड साइन में, हमने फॉर्मूला ही लिखा था, डू यू रिमेम्बर, नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट, रूट टू, रूट टू इंटू वॉट, रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू प्लस आई एज इट इज 1 बाय रूट टू, आई इंटू 1 बाय रूट टू. क्यों किया, बिकॉज इसमें सेम एंगल आना चाहिए. सो वॉट इज इट, इट इज नथिंग बट वॉट, इज इट लाइक दिस, सबको पावर जाएगा 1 बाय 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू. सो रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, ये रूट टू रेस टू 1 बाय 5 एज इट इज रहेगा, इसको बाहर लिख लेते. व्हाट इज द एंगल 1 बाय रूट टू फॉर कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 5 बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 5 बाय 4, क्लियर, रेस टू पावर. अभी ये आया उस फॉर्म में जहां पे मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज इट इन द फॉर्म ऑफ दैट, ओके, दिस फॉर्मूला, कॉस 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन एन साइन 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन एन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन,
And what is the value of theta? What is the value of n? Yes? 1 by 5. 1 by 5. Sorry. Theta is 1 by 5. It's okay? And theta is pi by 4 and n is 1 by 5. So, shall I write that is in that form? What is the formula says? Therefore, x is equal to a the term root 2 raised to 5 by 2. Okay, as it is. Otherwise, you can change that. Shall I change? Root 2 nikala ta kya aega power? Do you know? 1 by 10. 1 by 10, correct. Now, isko likhna hai cos 2k pi plus theta. Cos 2k pi plus theta kaise aega? Cos of 2k pi plus theta is what? Pi by 4 divided by 5. Okay? Cos 2 pi plus theta by n plus I sin 2k pi, same. 2k pi plus theta by n. Is it like this? Is it like this? Got this tape? Okay. Got this? Yes, ma'am. Can you tell me what should be the next tape? Yes, anyone? What is the next tape? And k is equals to 0 to 4. Yes, k is equal to 0 to 4. Shall I substitute here or I can simplify this? Simplify. Okay. पहले pi common लेके and 4 को LCM डाल के can we simplify और इसी में put करेंगे. So both ways it is possible. Either you simplify it, means direct k की value put कर दो या तो simplify कर लो. K की value 1, 2, 3, 4 put करो या तो फिर वो pi common लेके 4 LCM लेके simplification करके. अगर मैं simplify करती हूँ तो next calculation is easy. Next calculation is easy. Okay. Can you tell me what I will write here? I'm a student or is there a network issue? Tha. It's okay. Shall I simplify this? What I am getting? Can I write this is equal to root 2 raised to 1 by 5? 1 by 5. And can you tell me, agar mujhe ye simplify karna hai, to yaha pe kya aega? Pi by 20. Pi by? 20. Is it? Dekho, ye 4 LCM hoga. Is it 8k pi, 1 by 1 dikhte. Can I write 8k pi, everyone got this? 8k pi plus pi? Likhenge kaise? Divided by, iska LCM kya hai? 4, aur ye 5 as it is. Shall I write like this? Shall I write like this? समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा है? Yes, yes. Okay? क्या है? ये cos as it is into bracket ये देखो 4 into 2 8 8k pi plus pi ये 4 LCM है तो ये denominator में जाएगा और ये 5 as it is रहेगा. Okay? Plus I sin अब यहाँ का भी same I sin 4k sorry 8k pi plus 8k pi plus pi divided by 4 into 5. And now you can take out that pi common. Sorry, pi common. If I will take out pi common, what is x is equal to now? Root 2 raised to 1 by 5 into cos. What is it? Shall I take out pi common? Is it 8k pi? Plus 1 into pi by 20. Can I write like this? Into pi divided by 20. Can I write like this? Okay. 8k pi common. 8k plus 1 by 20. Plus I sin. Abhi ye bhi same. I am not going to write this. Okay. 8k plus 1. Now ye aapka simplified form ho gaya. Aur abhi hum kya put karenge? Sorry, अभी 1 by 5 नहीं आएगा. Already substituted कर दिया. It's okay. अभी हम क्या put करेंगे? Yes?
नाउ ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स. अभी क्या पुट करेंगे एनीवन? अभी क्या पुट करना है? वेयर के इज इक्वल टू व्हाट? 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, that is 4. Agree? See here, the same thing is done here. ये देखो pi by 4 formula apply किया 2k pi plus pi by 4 actually this is raised to power 5. Then इसका LCM हो गया 4 into 2 8 8 plus 1 pi और बाद में फिर 1/5 substitute कर दिया 1/5 तो pi by 20. Same thing we got here 2 raised to 1/10. अभी मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 एंड 4. हियर आई एम शोइंग यू. ये देखो इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0 व्हाट आई विल गेट इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0? यस, हाउ मेनी आर अटेंटिव? इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0, एनी रोल नंबर? रोल नंबर 25. बताओ इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0 व्हाट इज x1 इज इक्वल टू? पुट k इज इक्वल टू 0, आर यू प्रेजेंट? रोल नंबर हु इज 25? लेट्स सी. यस मैम, प्रेजेंट. हु इज 25? आविष्कार मैम. हाँ, अंडरस्टूड व्हाट आई एम आस्किंग? अगर मैं k इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू √2 raised to 1/5 और 2 raised to 1/10. इट इज सेम. हाँ बताओ अविष्कार, बताओ. तुम्हारा नाम ही अविष्कार है, तुम्हें आना चाहिए ये 1/10. हाँ बताओ cos ऑफ क्या आएगा? pi by 20. करे गेटिंग ना? समझ में आ रहा है क्या? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. प्लस आई साइन pi by 20. इसको कुछ कन्वर्शन नहीं करना है, कीप इट एज इट इज pi by 20. ओके, इफ आई विल सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू 1 सिमिलरली, अगर मैं k इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, ये हो गया आपका x0, कैन आई राइट x1? 0 पुट किया करके x0, x1 क्या आएगा आपका? cos of, put k is equal to 1, बताओ 8 plus 1 9, is it 9 pi by 20? प्लस ये सेम आता है, सो आई विल नॉट राइट दिस टर्म. इज इट 9 pi by 20? हाँ, रोल नंबर 30, व्हाट इज x2? क्या पुट करेंगे x2 के लिए? रोल नंबर 30 इज प्रेजेंट? हाँ मैम, बोलो मैम. 30 प्रथमेश, ओके. हाँ बताओ प्लीज, what is this x2? put k is equal to 2, क्या आएगा मैम? ठीक से दिख नहीं रहा है ये कहाँ पे लिखा है. ये क्या है, क्या दिख रहा है ना यहाँ पे इतना बड़ा? तुम हो क्या पहले देखने के लिए? 17 मैम. आर यू देयर? यस मैम. हाँ तो बोलो, अभी स्क्रीन थोड़ा नीचे करती हूँ. हाँ बताओ. 17 पाई बाय 20. ये 17 पाई बाय 20 करेक्ट. गेटिंग दिस? क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं क्या एटलीस्ट? हाँ यस मैम. 17 पाई बाय 20 प्लस नेक्स्ट पार्ट एज इट इज. ओके एवरीवन, सो गुड. x3 इज इक्वल टू देन, अगर आप k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो cos ऑफ क्या आएगा? 3 पुट करो k की वैल्यू 25. यस, सो इट इज 25 पाई बाय 20 एक डिफरेंस सेम आता है इसका, कांस्टेंट होता है. देखो पहला था 1 के बाद 9 9 plus 8 17 17 plus 8 25. सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी x4 देन? x4 क्या आएगा? 32 pi by 20 cos of 33 pi by 20 plus i sin 33 pi by 20, same.
ओके ये सब सेम 33 पाई बाय 20 सेम सेम आता है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, अब यहां तक तो आपको पता है वॉट एवर इक्वेशन दिया रहता है उसका पावर राइट हैंड साइड में लेके पावर क्या किया हमने x इज इक्वल टू 1 प्लस i रेस टू पावर 1 बाय 5 कर डाला, ये 5 पावर इस साइड में लेके आए तो 1 बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, फिर 1 प्लस i को कॉमन एंगल आने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 इज cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4, फिर आपका डिमोरिस मीन्स दैट एप्लीकेशन यूज किया रूट्स का फॉर्मूला cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n, सो 2k पाई प्लस पाई बाय 4 बाय n दैट इज 5, ये टर्म एज इट इज आती है, फिर यहाँ पे 4 एलसीएम दिया 4 इंटू 2 8 8 के पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 20, ठीक है सेम थिंग इज हियर, उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखने के बाद k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रूट 2 रेस टू 1 बाय 5 इज नथिंग बट 2 रेस टू व्हाट 2 रेस टू 1 बाय 10, तो नेक्स्ट स्टेप से वही लिखा है, सो यहाँ पे भी मैं 2 रेस टू 1 बाय 10, पता है ना 1 बाय 5, ये 1 बाय 5 इंटू रूट 2 का पावर होता है, अगर आप निकालोगे तो 1 बाय 2 ये इस फॉर्म में आता है, इसलिए 2 रेस टू 1 बाय 10, k की वैल्यू 0 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गॉट दीज रूट्स, यहाँ तक तो सेम है एवरी क्वेश्चन में, इसके बाद व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स, इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स नथिंग बट इसका प्रोडक्ट, जो रूट्स आपको आए मिले है एक्स जीरो इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ये आपको पता है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, कैन एनी वन टेल मी अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करूंगी या एनी वन एनी प्रॉपर्टी आई विल अप्लाई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ली थी, किस किस को याद है, यस शाल आई मल्टीप्लाई दिस, इतना मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो आधा घंटा इसी के लिए लगेगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैम, एक्सपोनेंशियल नहीं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, एक्सपोनेंशियल में करोगे तो e रेस टू i पाई बाय 20 दिस, बट नहीं किया तो भी तो एक प्रॉपर्टी बताइए मल्टीप्लिकेशन, मॉर्विस का वो एप्लीकेशन यूज करेंगे ना, नहीं याद करो आई सेड टू सेंटेंसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस डैश एंड and division of complex numbers means dash. Angles add करेंगे. Addition of multiplication of complex number means addition of angles. बताया था ये theta plus phi करके दिखाया था? Yes, yes. Yes, ma'am. So multiplication of complex number means addition of angle and division means subtraction of angle. So no need to multiply. Directly shall I multiply this x0, x1, x2, x3? क्या ऐड हो जाएंगे cos as it is ब्रैकेट में क्या आएगा 5 by 20 plus 9 pi by 20 plus 17 pi by 20 plus 25 pi by 20 plus 33 pi by 20 so अब एंगल सिर्फ ऐड करो एंड यू आर गेटिंग द आंसर, आप सिर्फ एंगल ऐड करो एंड यू आर गेटिंग द आंसर, सी हियर हियर इट इज डन, ये किया हमने x0 x1 x2 x3 x4, अभी कंटिन्यूड प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एंगल ऐड करो, ये देखो cos as it is 5 by 20 plus 9 pi by 20 plus 17 plus 25 plus 33 pi by 20 plus i sin same bracket. और आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये सब पावर्स ऐड हो जाएंगे 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 by 10. What this step everyone? ये step यहाँ पे याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स एडिशन ऑफ एंगल्स, दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में करते तो भी आएगा e raise to i pi by 20, e raise to i 9 pi by 20, e raise to i 17, और फिर सबको ऐड करो one and the same. But last में उसको इसमें cos sin में convert कर रहा है, so I not use that property. Okay? Clear this? Any doubt in this step? बोलो. Clear this step? Yes, ma'am. अभी what is the addition of this bracket? Addition of this bracket is 85 pi by 20. But 85 pi by 20 means what?
इसको फिर से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करना है अभी, ये होने के बाद आपको आएगा ही, इट इज 17 पाई बाय 4 ना, 5 से डिवाइड करते हो तो 17 पाई बाय 4, दिस इज 17 पाई बाय 4 नॉट 20, 17 पाई बाय 4। अभी 17 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, कैन यू टेल मी? अगर मेरे पास cos ऑफ 17 पाई बाय 4 है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हाउ टू सब्स्टिट्यूट, कैन एनीवन? प्लस आई साइन सेम ही है, आता है? अगर शो दैट एक फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, तो दिस इज आल्सो द आंसर, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, यस 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा 17 पाई बाय 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, ये आना चाहिए। 17 पाई बाय 4 को 4 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते, बट व्हाट इज कॉस ऑफ 4 पाई बाय प्लस पाई बाय 4, क्या आंसर आएगा? कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4, पता है सब लोगों को? 2 पाई प्लस थीटा इज व्हाट? कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सिमिलरली 4 पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, सो यही लिखा है देखो यहाँ पे, 4 पाई प्लस पाई बाय 4 नथिंग बट कॉस पाई बाय 4, तो ये कन्वर्शन आना चाहिए। एंड व्हाट इज कॉस पाई बाय 4? 1 बाय रूट 2 प्लस आई 1 बाय रूट 2, रूट 2 रूट 2 कॉमन, ये हो गया आपका 1 प्लस आई बाय रूट 2 रूट 2 रूट 2 कैंसल, आंसर इज 1 प्लस आई, गेटिंग दिस? एनी डाउट दिस एग्जांपल? यहां तक तो आपको पता है आई हैव हाउ टू टेक द रूट्स। यहां से देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स एडिशन ऑफ एंगल, तो हमने सब एंगल को ऐड कर दिया सिंपली, 85 पाई बाय 20 को अगर सॉल्व करते हो तो 17 पाई बाय 4 आता है, बट 17 पाई बाय 4 की वैल्यू वी कुड नॉट सब्स्टिट्यूट, तो फिर हमने क्या किया, 17 पाई बाय 4 को 4 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख दिया, इट इज नथिंग बट 2 पाई प्लस थीटा, and then what it is 2 pi plus theta is cos theta, so 4 pi plus theta is also what, it is also what, cos theta cos pi by 4, uski value substitute kar di, we got here 1 by root 2 and 1 by root 2, any doubt ma'am? Ha ma'am, exam mein calculator se likh sakte na value? यस यस, आती है क्या 17 पाई बाय 4 डायरेक्ट? यस मैम। हाँ तो फिर डायरेक्ट लिखो, हाँ जिनको फिर ये कन्वर्शन नहीं आता है उनके लिए ठीक है, कैलकुलेटर यू कैन यूज, तो 17 पाई बाय 4 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर में है तो यू कैन स्टार्ट इट डायरेक्टली, यू कैन राइट इट डायरेक्टली कि 17 पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 ऐसे आ जाती है वैल्यू, यू राइट डाउन 1 बाय रूट 2 डायरेक्टली, नो नीड टू सिंप्लीफाई, क्लियर? It's okay? Is it okay? Now, let's solve the next example. Ye example nahi important. Find all the values of 1 plus I raised to 1 by, is it similar? Same hai kya? 1 plus I raised to 1 by 3 ka continued product show that 1 plus I. Yes. But yahan pe likha hai, find all the values of 1 plus I raised to 1 by 3. तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम एग्जांपल है, आई विल एक्सप्लेन हियर, बट इट्स अ होमवर्क फॉर यू, डोंट राइट नाउ, यू राइट इट एज अ होमवर्क, बट आई विल शो हियर, 1 प्लस आई रेस टू पावर 1 बाय 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्चुअली इट इज गिवन, ओके, सो 1 प्लस आई रेस टू पावर 1 बाय 3 को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस एंड साइन में, तो ये 1 प्लस आई सेम था, एग्जाम्पल इज सेम, इज इट बोथ द एग्जाम्पल्स आर सेम, ये देखो, सॉरी ये बोथ एग्जाम्पल्स आर सेम, एनी वन कैन यू आइडेंटिफाई, बोथ एग्जाम्पल्स आर सेम, ये देखो यहां पे दिया था 1 प्लस आई रेस टू पावर 1 बाय 5 और वहां पे दिया है 1 प्लस आई रेस टू पावर 1 बाय 3,
तो बोथ एग्जांपल्स आर सेम, ओनली क्या चेंज होगा, कैन यू टेल मी क्या चेंज होगा? इस फाइव के जगह पे सिर्फ क्या आएगा? थ्री थ्री, इसलिए आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ट्वेल्व है, बोथ एग्जांपल्स आर सेम। और आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू ये थ्री है, जीरो वन टू थ्री फोर नहीं है। मीन्स आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ये नहीं बाद में नहीं। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। इज इट सिमिलर एग्जाम्पल? ये देखो सेम है, पाई बाय फोर पाई बाय फोर, वन बाय थ्री, तो हमारा आ गया ट्वेल्व। ये देखो पाई बाय ट्वेल्व, एट के प्लस वन पाई बाय ट्वेल्व। ओके, फिर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, या आप एक्स वन से भी डिनोट कर सकते हो। तीन ही रूट्स आए हैं, तीन रूट्स आने के बाद ये देखो वन टू थ्री आ गए रूट्स। हाँ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तीनों का मल्टीप्लीकेशन गॉट द आंसर। तो दो बोथ द एग्जांपल्स आर सेम, तो ये सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, बट यू डोंट सी दिस, दिस यू सॉल्व एज अ होमवर्क। ओके, because both the examples are same, both examples are same। फिर और एक दिया है, because ये continued product is important, find all the values of 1 by 2 plus I root 3 by 2 raised to 3 by 4 and show that their product is 1, it is similar to this। Can you tell me यहाँ पे कौन सा angle adjust होगा? 1 by 2 plus I root 3 by 2 raised to 3 by 4 कैसे simplify करो? हाँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर, यहाँ का देखते हैं हम। क्या था? x इज इक्वल टू वन बाय टू ना, प्लस i रूट थ्री बाय टू रेस टू पावर, डायरेक्ट दिया है। इज इट दिस वे? वन बाय टू प्लस i रूट थ्री बाय टू रेस टू पावर थ्री बाय टू। कैन यू टेल मी? थ्री बाय फोर था ना, हाँ थ्री बाय फोर। हाँ, कौन सा एंगल आएगा वन बाय टू में इस कॉस के लिए? यस, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री प्लस आई, इज इट करेक्ट? रेस्ट टू पावर थ्री बाय फोर। Okay? अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपका वन बाय, बाकी सब सेम, टू के पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय एन, तो क्या आएगा? कैन एनी वन टेल मी? फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री करेक्ट। इज इट फोर बाय थ्री? थ्री बाय फोर, तो ये फोर बाय थ्री ऐसे लिखो, ये 2k pi plus theta divided by n, but n क्या है? 3 by 4, so can I write into 3 divided by 4 this way? 1 by n, ना 1 by n divided by n, ना इसलिए वो 1 by n ऐसे आता है, so can I write 4 by 3 यहाँ पे लिखो या 3 by 4 यहाँ पे लिखो, one and the same? Are you getting this thing? Shall we solve this or you can solve it? Okay. Is it like this? 2k pi plus theta into 3 by 4 plus I sine 2k pi plus theta by n. Either you write 3 by 4 or you write 4 by 3, it is nothing but a 3 upar jayega or a 3 divided by me jayega. So either you write this way or that way, it is one and the same. Okay, clear? So either you write 4 by 3 or 3 by 4, that is one and the same. And then simplify and put the values. Okay, is it? But 3 by 4 hai, so can you tell me what is the value of k then? Always 0 and 1 by 3. Yes, 0, 1, 2, 3.
ऑलवेज डोंट गो लाइक दिस. मैं लिखो ये दिस एग्जाम्पल विल सॉल्व. डोंट गो लाइक दिस. कैन आई राइट दिस इज कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर एन रेज टू पावर दिस 3/4 को मैं 3π/3 प्लस डी मॉरिस का अप्लाई कर दूंगी. आई साइन 3π/3 रेज टू पावर 1/4. पहले मैं इसको 1/n में कन्वर्ट कर देती हूँ. दैट इज इजी. 3π/3 ये 3 को ब्रैकेट में ले लो. 1/4 आउटसाइड रहने दो. अभी ये 3 कैंसिल. एंड नाउ आई एक स्टेप में लिख रही हूँ. बाकी फिर वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल. सो कॉस गेटिंग दिस क्या किया. ये पावर 3/4 को 3 इनसाइड द ब्रैकेट ले लो. डी मॉरिस का एन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. सो ये हो जाएगा कॉस 3π/3 ये 3 एज इट इज 1/4 का आउटसाइड रखा. ये हो गया आपका कॉस ऑफ 2kπ प्लस व्हाट इज द एंगल पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आई साइन 2kπ प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 एंड सेम k की वैल्यू हो जाएगी. k इज इक्वल टू व्हाट 0, 2, 3. Getting this state? So, जहां पे फ्रैक्शन में ऐसे पावर आएगा उसका पहले न्यूमरेटर ले लो ब्रैकेट में 3π/3 ओके एंड देन इसको 2kπ प्लस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. 2kπ प्लस पाई बाय 4 और अभी आप k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सब्सटीट्यूट करो. You are getting x0. When I am putting x is equal to 0, I am getting cos of kya aega? Cos of π/4 plus I sin π/4. Similar? Okay? Phir k ki value 1, 2, 3 substitute karo and sab ka multiplication. Any doubt here? Got this type? कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स क्या करना है ये समझ में आया क्या. कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स व्हाट. व्हाट दिस क्या क्या करना है. देखो मेथड. पहले हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फाइंड आउट कर लेना है ठीक है. फिर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो भी आएगी 0, 1, 2, 3, 4 वॉट एवर x1, x2, x3 उसका मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिशन ऑफ एंगल एंड पुट द वैल्यूज. सो कैन यू कंप्लीट दिस एग्जाम्पल और विल गो फॉर द नेक्स्ट. बोलो मैम कंप्लीट करते करते कंप्लीट करते. ओके सो व्हाट इज x1 cos ऑफ व्हाट इज x1 क्या आएगा. पुट k इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा. इज इट 3π/4 आएगा क्या. 3π/4 ये नहीं लिखती हूँ मैं. यहाँ पे भी 3π/4 आता है. सेम एंगल सेम आता है. मीन्स यही एंगल सेम आता है. व्हाट इज x2 यहाँ पे हमने पुट किया k इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज x2 क्या है. पहले 2 पुट करो क्या आएगा. 2 × 2 = 4, 4π + 5 = 5π/4 आएगा क्या. सेम 5π/4. व्हाट इज 3 पुट करने से क्या आएगा. 3 × 2 = 6, 6π + 5 = 7π/4. Is it 7π/4? So x3 is equal to what? For k is equal to 3, x3 is equal to 7π/4. Plus same, i7π/4. तो इससे हमें x0 मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया. सिंपली है. एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉपरली कर दिया.
फिर k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 3 तक है, फिर हम पुट करने के बाद ये ब्रैकेट सेम मिलेगी, इसका मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिशन ऑफ एंगल, सो आई एम गेटिंग cos of ब्रैकेट में क्या आएगा 5/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 प्लस 7π/4 इज इट लाइक दिस प्लस 7π/4 प्लस I sin सेम ब्रैकेट ओके. What is the addition of this bracket? Anyone? What is the addition of this bracket? Yes? हाँ बोलो. What is the addition of this bracket? बोलो. Roll number 62. What is the addition of this bracket? Hey, roll number 62 is present. Absent 63. Who is 63? I guess 63. Absent. Okay. 61 is present. सब absent है. Addition भी नहीं आती है. इसमें समझ में आता है. Who is only attending and who is attending with attention, है ना? Roll number 60. Ma'am, 16π/4. 60 is present ना? 60, Shashank Patil है क्या? Yes, ma'am. हाँ, what is the addition of this bracket? 16π/4. Correct, 16π/4. Good. Means you are attending, okay. Plus same. I sin 16π/4. But 16π/4 means what? 4π. So cos 4π. What is the value of cos 4π? 1. Sin 4π. Okay. So what is the answer? Answer is 1 and sine 4 pi is 0. So continued product is 1. Clear? So this way, first what you have to do? पहले हमने क्या किया, इस 3 को अंदर ले लिया, 3 कैंसिल कर दिया, 1/4. So always fraction में जब पावर आएगा ना, तो उसको 1/n के फॉर्म में कर लो. So it's not confusion then. Next confusion नहीं रहेगा. फिर cos 2k pi plus theta by n, 2k pi theta था pi divided by this 4. फिर हमने k की वैल्यू 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट की, जो भी आंसर आया उसके एंगल्स को सिर्फ ऐड किया एंड यू आर गेटिंग द आंसर व्हाट दिस 16π/4 देन 16π/4 मींस व्हाट 1. Okay, so got the idea of this continued product? Okay, next equation. Solve the equation x^10 plus 11x^5 plus 10 is equal to 0. Simple. Now see, I am writing here equation x^10 plus 11x^5. Dekho yahan pe. देखने के बाद सॉल्व द इक्वेशन तो अभी हमने किया, x^5 + 1 = 0, x^6 - i = 0. अभी थोड़ा अलग है, x^10 + 11x^5 + 1 = 0. मतलब अभी 10 11 ऐसे सॉल्व करेंगे क्या? एक तो 5 है, एक 10 है, हमने तो एक ही प्लस 10 है. ओके, हमने तो सिर्फ एक ही पावर का किया ना, ऐसे 5 और 10 ऐसे दो पावर, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? दोज़ हु आर अटेंडिंग, हमने ऐसे 5 10 एक ही इक्वेशन में नहीं लिया है, तो इसको मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा.
कैन आई राइट दिस इज एक्स रेस टू 10 इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू 5? यस यस. हाउ टू राइट? शैल आई राइट एक्स रेस टू 5 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज रहने देते हैं. और अभी एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू, मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ एनी अदर वेरिएबल वाई. पुट एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू वाई. रिप्लेस, नॉट सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली, इट्स अ रिप्लेसमेंट. इट्स अ रिप्लेसमेंट नॉट सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट आई गॉट हियर, शैल आई राइट वाई स्क्वेयर प्लस 11y. ये आएगा नहीं अभी क्योंकि आपको 5 मार्क का ये, बट आता है तो अभी तक हमने जो किया है वहीं से एग्जांपल्स आने के चांसेस है. इतना बड़ा ये 8 मार्क्स का है और 8 मार्क्स का अभी एग्जांपल है ही नहीं. तो दिस इज बट सी वी हैव अ टाइम तो वील एक्सप्लेन दिस. 11y प्लस 10 इक्वल टू 0, करेक्ट? गेटिंग दिस अप टू दिस? एनी डाउट? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मुझे एक ही पावर में चाहिए. ऐसे दो दो पावर के लिए मैं आई कुड नॉट सॉल्व फॉर कॉम्प्लेक्स. सिंप्लीफिकेशन अगर इसका करते हो, अभी ये कॉम्प्लेक्स भूल जाओ. वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस? यस, आएंगे क्या? वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 10, कैन आई सॉल्व दिस? यस. हाँ यस. हाउ? y plus 10 into y plus 1. Correct. y plus 10 into y plus 10. y plus 1. Yes, y plus 1. y plus 10, na? Correct? Is equal to 0. So what are the values of y then? Y is equal to, is it minus 1? Or y is equal to, kya aya? है? एग्री? बट वाई को क्या रिप्लेस करेंगे फिर से? देयरफॉर एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स रेस टू 5 इज इक्वल, मुझे वाई भी नहीं सॉल्व करना है ना, मुझे एक्स भी करना पड़ेगा बिकॉज अवर इक्वेशन इज गिवन इन एक्स. ये तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने रिप्लेस किया था एक्स रेस टू 5 को वाई से, नहीं किया है. जिनको यहाँ से आता है वो यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ से इजी जाएगा. सो एक्स रेस टू 5 को y, y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 10, इक्वेशन के फैक्टर्स आएंगे y प्लस 10, y प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू इज माइनस 1 माइनस 10. फिर से y को रिप्लेस कर दो एक्स रेस टू 5 से. सो वॉट इट बिकम्स? एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू माइनस 1 and x raised to 5 is equal to minus 10. Correct? अभी ये दो अलग अलग हो गया, ये दो अलग अलग हो गया. These two are different. ये हमने किया है. Do you remember yesterday's first example was x raised to 5 minus 1? था क्या? Do you remember anyone? Those who are attending, do you remember हमने ये solve किया है? x raise to 5 minus 1 को सॉल्व किया था. आई विल शो यू. देखो ये किया था, x raise to 6 को किया था. x raise to 6 is equal to minus 1. अभी आपके पास है x raise to 5. आर यू गेटिंग दिस? आगे क्या करना है? ओके हाँ. और x raise to 5 ये तो अभी हमने किया है, इसको कैसे जाना है आपको? अभी इसके रूट से सॉल्व द इक्वेशन इज फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x. इसको आगे कैसे जाना है आपको? x इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 1 बाय 5. ओके पीडीएफ में दिखा दे. इज इक्वल टू 1 बाय 5 एंड देन यू नो हाउ टू सॉल्व इट. ये देखो इज इट. सो x रेस टू 5 इज इक्वल टू माइनस 1. ये देखो सेकंड वन, x रेस टू 5 इज इक्वल टू माइनस 1 cos pi plus I sin pi raised to power what? 1 by 5. Is it 1 by 5 raised to power? So cos 2k pi plus 1 pi common. Minus 1 raised to 1 by 5.
सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू क्या थी, यही पे लिख के बताती हूँ वहां से रहता हूँ। कॉस पाई याद है क्या? यस। माइनस वन की वैल्यू कॉस पाई, आई साइन पाई रेस टू पावर वन बाय फाइव, अभी आपका टू के पाई वाला फॉर्मूला, कॉस ऑफ टू के पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय व्हाट, फाइव प्लस आई साइन टू के पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय फाइव, क्लियर। और अभी आपको पता है के की वैल्यू क्या है, व्हाट इज अ के, व्हाट इज के हियर, जीरो टू फोर, जीरो टू फोर, तो एक ही आएगा। ऐसे दो दो करने के लिए ये एग्जांपल्स नहीं आएंगे, आइदर ये आएगा सिंपली सेपरेटली या तो ये, बट ये आया तो कैसे करेंगे, कैन एनीवन टेल मी, और इज इट सिमिलर, माइनस टेन आया तो कैसे करेंगे, कैन यू टेल मी, टेन इंटू माइनस वन, यस टेन इंटू माइनस वन, चला राइट लाइक दैट, 10 into minus 1, क्योंकि 10 के लिए तो ऐसे कुछ वैल्यू एडजस्ट ही नहीं होगी, है ना, 10 के लिए वैल्यू एडजस्ट ही नहीं होगी, सो शैल आई राइट दिस इज 10 into minus 1, देन इज इट सेम, बोथ आर सेम, इज इट बोथ आर सेम, ये और ये सेम हो जाएगा क्या, सिर्फ क्या चेंज आएगा, कैन यू टेल मी, x इज इक्वल टू 10 into cos pi प्लस आई साइन पाई रेस टू पावर वन बाय फाइव, तो ये जाएगा इधर, सिंपली एक ही टर्म एक्स्ट्रा है, बट यहां से ब्रैकेट करना भूलना नहीं है, है ना, तो ये और ये सेम आया क्या, अभी सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, तो दो दो बार नहीं लिखेंगे, दो दो बार नहीं लिखने का, इतना सिर्फ x इज इक्वल टू 10, आई विल सेंड यू प्रॉपर पीडीएफ टुडे, so x is equal to 10 raised to 1 by 5 bracket raised to 1 by 5, तो अभी देखो, is it this one and this one is same, सिर्फ इसमें क्या add हो रहा है, 10 raised to 1 by 5, answer same ही आएगा, सिर्फ इसके हर एक answer में 10 raised, और यहाँ पे कुछ continued product नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ x की values x1, x2, x3, are you getting the difference between this and this, समझ में आया क्या, बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम, ये सॉल्व कर दो, इसी का आंसर लेके इसका आंसर लिखना है, इतना कुछ करना नहीं है, नो नीड टू डू, सिर्फ हर एक रूट के पहले जब आप यहाँ पे, आपका यहाँ का एक्स जीरो क्या आएगा, यहाँ का एक्स जीरो क्या आएगा, क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय फाइव आएगा ना, यहाँ का एक्स जीरो आएगा कॉस, बट इसके लिए आपको सिंसियरली सुनना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स इज नॉट सो इजी, जो हमने प्रीवियस पार्ट किए ना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है कॉम्प्लेक्स, बट अभी नहीं सुनोगे, अभी आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम है, वी कैन इजीली पास विद गुड मार्क्स, बट दैट इज अ लॉस फॉर यू, नेक्स्ट ईयर यू कुड नॉट कोप अप विथ इफ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ सेमेस्टर वन, अदरवाइज हम लोग पागल नहीं ना एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, हमें भी पता है ऑनलाइन एग्जाम है, नाउ it will be conducted and how we are going to solve it, but ये सब clear नहीं रहा तो आगे का complex semester 3 का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, semester 3 mathematics is difficult, ठीक है, अभी k is equal to 0 put करने से ये आपका factor आ गया, इसी को आप इसका factor लिख सकते हो, इसका can you tell me क्या add होगा यहाँ पे, सिर्फ इसके लिए क्या add होगा, is it only 10 raised to 1 by 5 add होगा ना, yes ये term add होगी सिर्फ, तो दो दो बार solve करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसका answer लिखो and every factor के सामने ये वाला term लिख दो, you got the answer, तो आ सकता है फिर ऐसा example 5 marks के लिए, because solution तो इतना ही है ना, एक ही equation solve करना है, दूसरे का answer direct आ रहा है, so getting this part everyone, okay is it clear? So this way mostly De Moivre's theorem, all the examples we are completed. Again, I will find out any important example will be there, and that will take afternoon 3 p.m. 3 baje.
आधा घंटा हम लेक्चर लेंगे 3 और 3:40 तक एंड लास्ट 10 to 15 minutes सर इज गोइंग टू ज्वाइन चनेवाल सर वॉट एवर यूर वर्कशॉप डाउट्स यू आर गोइंग टू क्लियर विथ हिम मैंने yesterday I told him to join और आधा घंटा हम लेके वो ज्वाइन करेंगे क्योंकि सर का हाँ यस सिलेबस आज आज हमने कॉम्प्लेक्स वन कंप्लीट किया है कॉम्प्लेक्स वन रह गई एंड कल एंड परसों वी आर गोइंग टू कंप्लीट हाइपरबोलिक सिलेबस इज कंप्लीट दिस हाँ कॉम्प्लेक्स एंड हाइपरबोलिक रहेगा ठीक है मैम मैट्राइसिस का रिमेनिंग पार्ट नहीं रहेगा क्या मैट्राइसिस का रिमेनिंग पार्ट नहीं आएगा लेंगे ना मैट्राइसिस तो पासिंग है आपके लिए मैट्राइसिस रहेगा ना मैट्रेसेस का रिमेनिंग पार्ट रहेगा और फिर कॉम्प्लेक्स लेते हैं ठीक है मैम हाँ और लेनी हाँ बोलो हाँ मैम सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है अभी देखो ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते एवरी टॉपिक हैज द सेम वेटेज बट मैट्रेसेस देखो मैक्सिमा मिनिमा से एक ही क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव का आई एम टेलिंग ऑब्जेक्टिव इट्स नॉट क्लियर ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑन द क्वेश्चन पेपर सेटर बट सब्जेक्टिव का कैसे है मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली आई एम सेइंग व्हाट एवर लास्ट एग्जाम वाज कंडक्टेड एवरी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहेगा एवरी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पांच टॉपिक से पांच क्वेश्चन ठीक है पांच मॉड्यूल से फिर सॉल्व अगर एनी फोर आया आई एम टेलिंग यू प्रॉप अच्छे से चार मॉड्यूल करके रखना है वॉट एवर यू फीलिंग इजी फॉर सब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है ऑब्जेक्टिव में सभी मॉड्यूल्स के आपको सॉल्व करने हैं गेटिंग है ना समझा क्या पीसी ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव यू आर गेटिंग 20 ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी एंड देन सब्जेक्टिव 40 मार्क्स 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन उसमें सब क्वेश्चंस रहेंगे बट उसमें फिर आपको एक टॉपिक का एक क्वेश्चन रहेगा ही ठीक है मैकेनिक्स बी डबल ई ओरल वाइवा के लिए पढ़ना स्टार्ट करो शैल आई टेल मैडम टू गिव सम प्रोबेबल क्वेश्चंस और व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस एक्सटर्नल इज गोइंग टू आस्क डू यू मैडम हैज गिवन एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस नो मैम मैडम से पूछो संदीप सर ने बोला था मोस्टली थ्योरी में से पूछा जाएगा वाइवा थ्योरी में से वाइवा होता है थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना बट प्रैक्टिकल क्या किया आपने किया है ना अभी परफॉर्म हाँ थ्योरी बेस्ड मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही रहेगा बट वो प्रैक्टिकल का भी वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा ना प्रैक्टिकल थ्योरी रिलेटेड होगी ना हाँ सो मोस्टली ये उतना करके रखो आई विल टेल मैडम ना कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस मींस व्हाट यू ये ऐसा लेंथी क्वेश्चन थोड़ी पूछने वाले ना ओरल वाइवा में यू शुड दैट्स व्हाई यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स है फॉर्मूलीज है और कुछ मैडम आइडिया देंगे आपको बिफोर दैट बट इजी रहेगा इतना कुछ करने की ये नहीं रहता है दे ऑल्सो नो बिकॉज नाउ वी आर डूइंग ऑनलाइन एंड वो जो हमारा ऑफलाइन का फील होता है टीचिंग का बोलो या पढ़ने का बोलो पढ़ाने का बोलो पढ़ने का मोस्ट प्रोबेबली और कितना किसको समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट्स कंसिडर होंगे इतना कुछ ये नहीं है बट यू शुड हैव यूर प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि 5 questions इफ दे आर आस्किंग एंड एक भी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए अप्रोच हाउ टू आंसर इतना तो हमें पता होना चाहिए है ना ओके क्लियर यस मैम ओके सो आफ्टर दैट ओके हमें आफ्टरनून में मिलना है सो दैट टाइम विल डिस्कस ओके अभी आपको दूसरा लेक्चर है विल स्टॉप हियर थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.